कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र के शिव गोदावरी स्थित एबीए कंपाउंड के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक को उसी के घर के नीचे गोली मार दी गई। दो राउंड हुई फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई। घबराए परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया और घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक घायल युवक 5 लाख रुपए लेकर घर पहुंचा ही था कि पहले से घात लगाकर बैठे व्यक्ति ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर फारूक पर गोलियां मार दी। 5 लाख रुपए की लूट कर मौके से फरार हो गए। गोली चलने की सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने कई सारे साक्ष्य जुटाए। डीसीपी पूर्वी ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मुझे गोली मारने वाले जो थे मेरे जानने वाले थे, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के शुरू से ही रहे हैं, और मेरे कमर पे गोली मारी गई है यहाँ पे, और मेरे से पैसा भी लूट लिया गया जो मैं अपने घर बनाने की तैयारी में लगा हुआ था। अभी पर कल से हमारा काम शुरू होने वाला था। कितना पैसा था? 5 लाख रुपये था हमारे पास बैग। किन लोगों ने गोली मारी? क्या बंटी नाम है उनका, बंटी उर्फ उमर अहमद, और उनके साथ दो व्यक्ति और थे जो उनके भाई हैं चांद अहमद, और एक व्यक्ति उनके बहन हुई है। देखिए, थाना क्षेत्र जाजमऊ का है, यहाँ पे एबीए कंपाउंड में एक सूचना, चूँकि घर वाले इनको लेके गए थे जो एक व्यक्ति फारूक अहमद है, तो पता चला था उनके गन शॉट लगा है और हिप के नीचे लगा है, और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और स्थिति ठीक है उनकी, उनका इलाज जारी है। और जो फारूक अहमद है, इन्हीं के कोई एक नोन व्यक्ति हैं उमर करके है, जो उसके द्वारा ही किया गया था, उसके कुछ साथी भी हो सकते हैं। तो हम लोग तहरीर प्राप्त कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी। पत्नी ने 5.5 लाख रुपए लूट का आरोप लगाया है। हम वो सारी चीज़ें भी वेरीफाई कर रहे हैं, चूँकि इनका पता चला है कि ये शायद किसी उसमें बिजनेस में जा उन्नाव के क्षेत्र में रहते हैं, तो जो व्यक्ति है इनका नोन है, तो जो भी पैसे वाली बात है वो भी हम तहरीर में उसको ले रहे हैं और मुकदमा पंजीकृत करा जा रहा है और विधिक कार्रवाई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/